जनपद संभल के चंदोसी विधानसभा के मंडल बनियाखेड़ा में शिव मंदिर रामलीला ग्राउंड पर कमल शक्ति संवाद 2 अभियान के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल रही तथा विशिष्ट अतिथि SC ST आयोग के सदस्य साध्वी गीता प्रधान, महिला मोर्चा क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य पुष्पलता पाल, सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री मोशिका शर्मा व विजय राघव ने किया। बैठक में सरकार के द्वारा चल रही महिलाओं के विषय में योजनाओं का विस्तार किया गया। मुख्य वक्ता प्रिया अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा 40 लाख गर्भवती महिलाओं को PM वंदना योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई तथा आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 600 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। साध्वी गीता प्रधान ने बताया कि सरकार द्वारा 24 लाख निराश्रित महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की पेंशन दी जा रही है। क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य पुष्पलता पाल जी और आई हुई सभी बहनों का मैं स्वागत अभिनंदन कर रही हूँ। जो आज कमल शक्ति संवाद है प्रदेश निर्देश अनुसार, मैं महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ बात करने आई हूँ। लगातार कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, हमारे देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उत्थान के लिए किया जा रहा है। मैं लाभार्थी बहनों से सीधे संवाद करने आई हूँ कि नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान की जो बात हमारे प्रदेश सरकार की जा रही है वो वाकई किसी और सरकार में नहीं है। जिस तरीके से यहाँ बहनों का आश्वासन मुझे मिला है, जिस तरीके से बहनों का यहाँ मुझे बल मिला है, मैंने कई बहनों से यहाँ बात की, उस तरीके से मुझे लगता है कि वाकई हमारी सरकार ने नारी सम्मान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किया है उस पर हम खड़े रहते हैं। यहाँ की जो महिलाएँ हैं बनियाखेड़ा की, मैंने उनसे अभी 2-4 महिलाओं से ही रूबरू बात की और वो महिलाएँ वाकई में एक फ़र्क महसूस कर रही हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। तो मैं इसी नारी सशक्तिकरण के लिए उन लोगों से बात कर रही हूँ। बनियाखेड़ा गांव में आपने कमल शक्ति संवाद किया है, क्या कहेंगे जी? नमस्कार, मैं जिला अध्यक्ष शांति सिंह संभल से। देखिए, बनियाखेड़ा में हमारा कमल शक्ति संवाद जैसे कार्यक्रम हमारे पूरे जिले में 20 मंडलों में चल रहा है, लगातार चल रहा है। और जो भी आज हमारे यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पर अतिथि के रूप में हैं, आज यहाँ पर एक हम बड़े आयोजन के साथ यहाँ बड़ी संख्या में के साथ पहुँचते थे। कमल शक्ति संवाद का अर्थ है संवाद मतलब चर्चा होगी, अपनी बात को बताना। कमल शक्ति, नारी शक्ति का ये कार्यक्रम है, नारियों को कमल के साथ जोड़ने का हमारा उद्देश्य है। और हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहनों को जोड़ें। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम की चर्चा हमारा लगातार बहनों के साथ जुड़ा हुआ है और बहनों के साथ हम बहनों के लिए काम कर रहे हैं। बनियाखेड़ा गांव में कमल शक्ति संवाद का आयोजन किया है, क्या कहना चाहिए? बनियाखेड़े मंडल में गांव में हम कमल शक्ति संवाद के तहत स्थित में कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता आदरणीय प्रिया अग्रवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और जिलाध्यक्ष राखी सिरोही जी, हम सब लोग यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो आज तक किसी भी सरकार ने ना किया है ना कभी करने के विषय में सोचा। जो आज नारियों का सम्मान है वो केवल भाजपा में ही है, इसके अलावा किसी में नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारी लाभार्थी बहनों को हमारे प्रदेश ने हर तरीके से लाभ पहुँचाने का कार्य किया है वो भी हमारे भाजपा की सरकार ने किया है। तो महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं के विकास के लिए और जो लाभार्थी बहनों को जो लाभ दिए गए उस पर चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार से